आप यूपी का दंगा करवाओ। ये दंगा नहीं है बहराइच में, दंगा नहीं हो रहा है क्या? ये सब सोचेंगे साजिश है, आप ही लोगों की बस की साजिश है, ये हमारी साजिश है। सुनो अरे भाई साहब, बिना हाथ लगाए आराम से बात करो, मुंह से बात करो, बिना हाथ लगाए आराम से बात करो, आराम से। क्या बोलेंगे यूपी में जो यूपी में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, यूपी में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, इनके बढ़िया है ना, इन्हें मजा का काम बढ़िया, इनके इनके हिसाब से इनके दिल में दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बड़ी बड़ी, इसलिए बिल्कुल है, मिलके रहते हैं तो आपकी भाषा नहीं होती। पश्चिम यूपी में कौन दंगा हो रहा है? नहीं, अखिलेश के राज में दंगा हुआ, कराओगे जब इस चीज को, सुनो बता दे रहा हूं ना, अब जब इस घटना को ये सही ठहरा रहे हैं, जब एक बंदे का ग्रिल तोड़ दी, उसके घर में जाके झंडा लगा दिया, इस घटना को ये सही ठहरा रहे हैं, तो मान सकते हो कि इनकी मानसिकता क्या? हम यहाँ दिल्ली में बैठे साजिश कर रहे हैं एक तबके का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, अभी तो 40% का नजारा है, जिस दिन अगर 75 हो गए ना तो कांग्रेस साफ है जीरो। आगे ना दिल की बात जुबान पे आ गई, सीधी सी बात है, आपको 75 छोड़ो 40 से भी समेट देंगे। अरे नहीं आने के, भूल जाओ सच्चाई कहाँ थी, आप कौन खाते हैं? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सही है, सही है, बेहतर है, अरे बेहतर है, अखिलेश से बेहतर है, बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश से सरेआम गोलियां चल रही है, इनके लिए बेहतर है, सरेआम लोगों को मार दिया जाता है, इनके लिए बेहतर है। एनसीआरबी की डाटा की रिपोर्ट, एक मिनट, हाथ नीचे करके आराम से बात, हाथ नीचे करके आराम से बात, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार में यूपी नंबर वन, इनके हिसाब से सबसे बढ़िया है। पुलिस कस्टडी में लोगों को गोली मार दी जाती है, पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है, भरी कोर्ट में अदालत में गोलियां चल जाती हैं, लोगों को मार दिया जाता है, सरेआम राह छिनैती हो जाती है, रात को 12 बजे बलात्कार कर करके, जन्माष्टमी का आपको याद होगा, 2 लड़कियों को बलात्कार करके उन्हें पेड़ पे टांग दिया था, और कितनी बढ़िया कानून व्यवस्था है, अगर ऐसी बढ़िया कानून व्यवस्था है तो वाह वाह वाह। तो योगी जी तो इसी बात का ताल ठोकते हैं ना कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दिया है। योगी जी ताल ठोकते हैं सिर्फ 2 चीजों के लिए, एक तो जब वो यादवों का एनकाउंटर करते हैं तब वो ताल ठोकते हैं, और दूसरा जब वो मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाते हैं तो उनकी कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अदरवाइज तीसरी कम्युनिटी के लिए कानून व्यवस्था उनकी दम तोड़ जाती है। जब लखनऊ कांड हुआ था आपको याद है, वो पानी वाला कांड जो हुआ था, पानी उछाल के फेंका गया था, तो उन्होंने संसद में 2 इनाम लिए थे अपनी सदन में, सबसे पहला यादव, दूसरा नाम लिया था उन्होंने मुसलमान लड़के का, 2 लड़कों का नाम लिया था सिर्फ, बाकी जो 14 और थे जो सहजाती थे, तो सिंह थे, जो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी जो गर्ग वर्ग थे, उनका किसी का कोई नाम नहीं लिया, तो उनकी रोजी रोटी सिर्फ ये यादवों को इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि अखिलेश यादव उनके नेता हैं, अखिलेश यादव से उनका 36 आंकड़ा हो चुका है, अखिलेश यादव कहाँ, वो 60 सीटें जीत रहे थे यूपी में, कहाँ अखिलेश ने उन्हें लाके 33 पे पटक दिया, तो इससे उनकी खुंदक है, मुसलमानों से उनकी खुंदक जग जाहिर है, सीधी सी बात है, कटोगे तो बटोगे, 80 है तो 80-20 का चुनाव है, जालीदार टोपी वाले तहमत वाले तुम्हारा राशन ले जाते हैं, खुल के कहते हैं वो तो। जी सर सवाल शर्मा जी, सवाल ये है कि वहाँ पर जिम्मेदार तो पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, तो पुलिस प्रशासन किसके अंडर में काम करता है? सरकार के अंडर में तो काम करता है। आप भी अजीब सी बात कर रहे हो भाई साहब, पत्रकार होने के बाद भी ऐसी बात तो कम से कम आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। राजनीति नहीं नहीं आपने बहुत, देखो आप पत्रकार हैं काफी टाइम से इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन आपने सवाल जो है बहुत बचकाना पूछा, पुलिस और प्रशासन के बिना सरकार की सहमति से कोई भी कदम उठा सकता है? बताइए पुलिस प्रशासन का ऑर्डर कौन देता है? सरकार देगा, गृह मंत्रालय देगा, मुख्यमंत्री देगा, अभी मुख्यमंत्री ने ऑर्डर जारी करें लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करो, तो फिर सरकार ही तो उसको दे रही है, सरकार मुखदर्शक बनी बैठी रह जाएगी तो पुलिस प्रशासन क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, सरकार को ऊपर से ऑर्डर दे और पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई ना करे उसकी हिम्मत है? 1 मिनट के अंदर वो ट्रांसफर मार देंगे इधर से उधर, 1 मिनट के अंदर सस्पेंशन है, 1 मिनट के अंदर डिमोशन है। लेकिन अधिकारियों को तो ट्रांसफर किया गया है ना, चाहे चौकी प्रभारी हो या छोटे छोटे प्यादों को आगे करके राजाओं को बचाना, वजीर को बचाना शतरंज का पुराना खेल है, घोड़ों को बचाना, ऊँटों को बचाना, मरता कौन है सबसे पहला? प्यादा। पहली चाल कौन चलता है? प्यादा। मरे जाते हैं सबसे ज़्यादा? प्यादे। शतरंज के 64 उसमें से 32 में से 32 उधर 32 उधर, 8 प्यादे उधर 8 प्यादे, 16 अकेले वही होते हैं, बाकी तो सब एक एक दो दो चार चार ही होते हैं, 2 ऊँट इधर 2 ऊँट उधर 4 होते हैं, 2 हाथी उधर 2 हाथी उधर 4 होते हैं, लेकिन प्यादे सबसे ज़्यादा होते हैं ना 16, तो 16 प्यादे ही सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं, तो जब तक शतरंज का खेल चलता रहता है प्यादे ही मारे जाएंगे, और ये प्यादों को इधर से उधर कर दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया हमने, लॉ एंड ऑर्डर काबू कर लिया, बहुत बड़ी बात है, जो बड़ी मछली उनको उनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डालते? जब आपको बताता है जुलूस निकलना है, इस तरह की राम और हरकतें होनी है, ये लोग प्रोवोक करेंगे तो और पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं जोड़ी गई? जब आपको घर गिराना होता है, 25 घर गिराने होते हैं तो आपकी 2500 की लोगों की पुलिस चली जाती है, लेकिन जब आपका इतना हजारों का जुलूस निकल रहा है तो आप कितने पुलिस वाले अपॉइंट करते हो? मात्र कुछ 100
100-150-200 पुलिस वाले और उनके हवाले कर दिया आपने 1,500-3,000 लोगों को कि अपना जुलूस निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। लाठी डंडे लेके जुलूस निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करे जाओ आप काम, तब आपको कोई चिंता किसी किस्म की नहीं होती। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के अधीन ही है ना, तो सरकार पे सवाल उठेंगे। बहराइच में हुआ तो आपको नहीं लगता है कि जब जो सनातनियों की कोई यात्रा निकलती है तभी इस तरीके के मामले सामने आते हैं? सनातनियों की यात्रा निकलती है, मैंने कहा ना सनातनियों की यात्रा दिल्ली में भी तो निकलती है, यहाँ से सवारी निकलती है रामलीला के दिनों में, लगातार जाती है, सिर्फ आराम से धार्मिक नारे लगते हैं, कोई प्रोवोक नहीं होता, कुछ नहीं होता। कितने साल हो गए यहाँ पे दिल्ली में? कम से कम 50 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, 30-40 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब ये भड़काऊ नारे लगाओगे, दूसरे के घरों में घुस जाओगे और फिर तुम उम्मीद करोगे दूसरे के घर में घुसने के बाद उसके घर को तोड़फोड़ मचाओ, उसके घर पे जाके उसकी रेलिंग तोड़ो, उसका झंडा तोड़ो और वो बदले में जवाबी कार्रवाई भी ना करे, तो फिर तो ये तो गलत बात है ना साहब। मीडिया में तो चल रहा है कि उसे खींच के मारा गया। भाई साहब मीडिया में टोटल आज सुबह से शाम तक मैं लगातार सर्च कर रहा हूँ, हर मीडिया चैनल पर सर्च कर रहा हूँ, सिर्फ एक वीडियो नजर आ रही है उसकी छत पर चढ़े हुए की और वो झंडा खींच के गिरा रहा है। झंडा खींचने के चक्कर में उस व्यक्ति के घर की जो है पूरी ग्रिल भी जो है वो गिर जाती है और उसके बाद उसकी कोई वीडियो कहीं नजर नहीं आ रही। कोई कह रहा है उसे 2 गोली मारी गई, कोई कह रहा है उसे कान से सटा के गोली मारी गई, कोई कह रहा है उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया, कोई कह रहा है 20 गोली मार दी, कोई कह रहा है 40 गोली मार दी। अब लगातार नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि जैसे एक बार आपको याद है उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में जो हमारा आईबी ऑफिसर अंकित लाल को मारा गया था, सारे अखबारों में सारे मीडिया चैनल में था कि 400 घाव। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें से 42 घाव निकले थे सिर्फ, लेकिन फैला इतना जबरदस्त गया था कि 400 घाव कर दिए, 400 बार चाकू मारा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 42 घाव आए थे, मारा जरूर गया था वो, लेकिन किस तरह से बड़ा चढ़ा के पेश करा जाता है आप इस चीज को देखो ना। हरकत किसने करी, क्या जरूरत थी उसको उसके घर में घुस के झंडा उतारने की? भाई अब हमारे मंदिर पे कोई झंडा लगा और ये मुसलमान आके इसको झंडे को उतारने लगे, हमें गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना, जब आपके घर में कोई इसको घर गए तो सेम भाई उनकी पूजा पद्धति अलग है, हमारा भगवान उनका हरा है, उसने अपने घर पे हरा झंडा ले रखा है, तुम्हारे को क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है तुम्हारे को? मार देना कितना सही है, बिल्कुल ठीक बात है, जान से मार देना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जब इस तरह की कानून व्यवस्था तोड़ने में पुलिस वाले जब साथ दे रहे हैं, जब आपको दिख रहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और वो घुस के अंदर घर में घुस रहे हैं तो क्या उसे रोकना नहीं चाहिए था? तो भाई साहब इन सब चीजों की परिणति तो ऐसे ही होगी, तो फिर तो आप कानून व्यवस्था को भूल ही जाइए, जैसे कि हम तो भूले बैठे हैं, यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है? चुनाव से पहले इस तरीके के हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने के लिए मिलते हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए बीजेपी जो है उसकी राजनीति शुरुआत से धर्म पे टिकी हुई है, इसके अलावा उसके पास और कोई मुद्दा नहीं होता। विकास के नाम पे अगर वो वोट मांगती क्या उसे वोट नहीं मिलते? लेकिन उसका एजेंडा क्या है? हिंदू मुस्लिम करना, वोट बटोरना, हिंदू मुस्लिम करना, वोट बटोरना, एक ही एजेंडा उसका। भाई साहब आप काम तो करो, आपको अपोजिशन जो है आपको नजर कहीं नहीं आएगा जब आप काम करोगे। 1951 के पहले आम चुनाव हुए थे, 1977 तक कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, लगातार काम कर रही थी, हर तबके के लिए काम कर रही थी, वैज्ञानिकों के लिए भी काम कर रही थी, जवानों के लिए भी काम कर रही थी, नौजवानों के लिए भी काम कर रही थी, शिक्षा संस्थाओं के लिए भी काम कर रही थी, मेडिकल के लाइन में भी काम कर रही थी, हर जगह काम कर रही थी ना, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से उसका फायदा उठा रहा था। तो वो क्यों किसी और को वोट देगा जब उसे पता है कि मेरी सरकार मेरे लिए हर तरफ से चाक चौबंद है, सिर से लेकर पांव तक मेरा ख्याल रख रही है, तो क्यों कोई वोट देगा किसी और को? लेकिन आपके पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास ले देके ये काम करने के नाम पे कुछ नहीं है, ले देके आप वही हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हो। अब लगातार हिंदू मुस्लिम की रोटी सिक गई, अब यूपी की कानून व्यवस्था जो है बढ़िया हो गई है, अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड है वो इस यूपी के मामले में दब जाएगा, बात खत्म होगी, महाराष्ट्र चुपचाप अपने बैठ जाएगा, महाराष्ट्र में कोई सवाल नहीं पूछने वाला, अब सारे सवाल होंगे बहराइच। लेकिन सवाल ये भी तो है कि उपचुनाव होगा जी, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का तो कुछ बिगड़ना नहीं है, तो ये क्यों लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहला या चुनाव के टाइम में बीजेपी इस तरीके के दंगे कराने को? आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसमें कुछ बिगड़ना नहीं, जो उसका गणित है विधानसभा का गणित है उस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में एक एमएलए था बागी उम्मीदवार, हिमाचल के चुनावों में बीजेपी से बागी उम्मीदवार होकर वो टिकट ली थी उसने, खड़ा हो गया था निर्दलीय के तौर पे। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री ने उसको फोन कर दिया था, प्रधानमंत्री ने उसको फोन करा था कि नहीं भाई तुम बैठ जाओ, हमारे से तुम्हारी क्या नाराजगी है? जब वो इस लेवल तक है, एक एमसीडी दिल्ली की है, उस तक को तो छोड़ते नहीं तो विधानसभा चुनाव कैसे छोड़ देंगे? वो चाहते ही नहीं कि कोई और पार्टी आगे बढ़े, स्वस्थ चुनाव प्रक्रिया होने नहीं देना चाहते, चुनाव प्रक्रिया को हैक कर रखा है, सारी एजेंसीज को हैक कर रखा है। हाँ जी इधर आके बोलिए, अकेले भी चुनाव कांग्रेस की हैसियत देखी हुई हरियाणा में लड़ा अकेले, क्या हुआ कोई क्या हुआ बताओ, चल गया ना आपको क्या हुआ? 20 सीटों में आपने देखा नहीं ईवीएम के अंदर? यूपी में अकेले लड़वाओ, अगर एक भी आ जाए आने वाला टाइम है आ जाएगी। आप इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हैं? नहीं लड़ सकती इसमें, इतना खुश क्यों हो रहे हैं आप? इसमें इतना खुश क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस तक तो कांग्रेस ही थी, 50 से लेकर 90 तक तो कांग्रेस ही थी। सबको कांग्रेस ने दबा कर रखा, इमरजेंसी भूल गए क्या? करा कांग्रेस ने इमरजेंसी भूल गए क्या? इमरजेंसी आप बताओ ना, इमरजेंसी पे जाते हो ले देखे गिनती के 3 सवाल मुद्दे से भटकने का। क्या मुद्दा? नहीं मुद्दा नहीं है
क्या इमरजेंसी मुद्दा नहीं है, क्या नुकसान हुआ इमरजेंसी में? उस समय का सबको अंदर डाल दिया इमरजेंसी में, बताओ अंदर आपको। अरे मैं क्यों जाता, नेता तो गए थे आपके घर के, गए थे आपके घर के, गए थे तो गए थे आपके घर के, विपक्ष को गया था आपके घर के, गए थे कुचल दिया, आपके घर के गए थे विपक्ष को तो कुचल दिया था, घर के गए थे, घर के कांग्रेसी हैं, मेरे घर के तो छोड़ो, मैं आपसे पूछा फिर क्यों मैं तो कांग्रेस कर रहे हो, बात करो ईमानदारी की, ईमानदारी की तो कर रहे हो, अकेले चुनाव लड़वो, अकेले भी लड़ लेंगे मौका आएगा उसमें, कौन सी बात है इतना काहे को हीरो बन रहे हो आप, इसको अकेले चुनाव लड़वो, अकेले भी लड़ लेंगे, इसकी हैसियत का पता लग जाएगा आपको आने वाले वक्त में, सब आपको हैसियत का पता चल जाएगा, आज जितने खुश हो रहे हो आप। कांग्रेस नहीं लड़ सकते, लेकिन आप बताइए आप जब मोदी जी का सपोर्ट करें थोड़ा सा पास में आइए, मैंने केवल इनकी एक बात पे कहा, कांग्रेस ने कभी किसी को ऊपर आने नहीं दिया, बीजेपी ने किया, इन्होंने कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस ने कहा, सुनो अरे भाई साहब बिना हाथ लगाए आराम से बात करो, मुंह से बात करो बिना हाथ लगाए आराम से बात करो, आराम से हाँ जी कैसे हैसियत आपको बताते हैं, कांग्रेस ने कौन से तबके को नहीं छोड़ा ये बताओ, कौन से तबके को ऊपर आने का मौका नहीं दिया, दलितों को उसने ऊपर आने का मौका दिया, उसने किसानों को ऊपर आने का मौका दिया, उसने नौजवानों को ऊपर आने का मौका दिया, उसने मुसलमानों को ऊपर आने का मौका दिया, उसने सिखों को ऊपर आने का मौका दिया, उसने क्रिश्चियंस को ऊपर आने का, सिखों को क्या करा, ठीक है जो वो एक घटना हो गई वो हो गई, कांग्रेस ने लगातार माफी मांगी, पहला सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह किसने दिया था, इनके हिसाब से इनके दिल में दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बड़ी बड़ी, इसलिए बिल्कुल है मिलके रहते हैं तो आपकी भाषा नहीं होता, पश्चिम यूपी में कौन दंगा हो रहा है, अखिलेश के राज में दंगा हुआ कराओगे, जब इस चीज को बता दे रहा हूँ ना, अब जब इस घटना को ये सही ठहरा रहे हैं, जब एक बंदे का ग्रिल तोड़ दी उसके घर में जाके झंडा लगा दिया, इस घटना को ये सही ठहरा रहे हैं, तो मान सकते हो कि इनकी मानसिकता क्या, आप यूपी का दंगा करवाओ, ये दंगा नहीं है बहराइच में, दंगा नहीं हो रहा है क्या, ये सब सोचेंगे साजी साहब, आप ही लोगों की साजिश है, ये हमारी साजिश है, हम यहाँ दिल्ली में बैठे साजिश कर रहे हैं, एक तबके का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, अभी तो 40% का नजारा है, जिस दिन अगर 75 हो गए ना तो कांग्रेस साफ है जीरो, दिल की बात जुबान पे आ गई, सीधी सी बात है, आपको 75 छोड़ो 40 से भी समेट देंगे, अरे नहीं आने के भूल जाओ, सच्चाई कहाँ थी आप, कौन सी जब भी एनडीए आया है, जब भी एनडीए आया है सारे दल मिलकर लड़के भी अकेली पार्टी का वोट नहीं कर पाए, तब भी नहीं गिरा पाए, नहीं गिरा पाओगे, भी टिकाया ना, इससे भी घुटनों पे ले आएंगे, चिंता ना करो, बहुत जल्दी तुम्हारे सबके घमंड बहुत जल्दी नीचे करेंगे, हाँ जी देखते हैं अभी 40-62% होगा जिनका, 62% कैसे होगा, सब खुल जाएगी, सब खुल जाएंगे, सब दिखा देंगे आपको, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सही है, सही है, बेहतर है, अरे बेहतर है, अखिलेश से बेहतर है, बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश से सरेआम गोलियां चल रही हैं, इनके लिए बेहतर है, सरेआम लोगों को मार दिया जाता है, इनके लिए बेहतर है, एनसीआरबी की डाटा की रिपोर्ट, एक मिनट हाथ नीचे करके आराम से बात, हाथ नीचे करके आराम से बात, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार में यूपी नंबर वन, इनके हिसाब से सबसे बढ़िया है, बंगाल कांग्रेस बोली बंगाल सातवां नंबर है, एनसीआरबी पता क्या है, राहुल गांधी बोला, एनसीआरबी पता क्या है, बंगाल के प्रति राहुल गांधी, एनसीआरबी क्या है, एनसीआरबी